हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई एम मिसेस संगीता पाटिल, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2022-23 क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश सेक्शन सी ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम मॉडल्स का यूज देखेंगे। अभी मॉडल्स होते क्या हैं? तो मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जिन्हें सहायक क्रियाएं भी कहा जाता है। यूज टू एक्सप्रेस कंडीशंस लाइक। अब इसका यूज़ कुछ कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे अगर किसी को एडवाइस या सजेशन देना है, दैट इज सलाह। अगर किसी की एबिलिटी या क्षमता को बताना है। ऑब्लिगेशन, अगर किसी ऑब्लिगेशन या दायित्व को बताना है। ड्यूटी या कर्तव्य को बताना है। परमिशन या किसी से अनुमति लेना है। रिक्वेस्ट, किसी से प्रार्थना करना है। पॉसिबिलिटी, किसी संभावना को बताना है। तो इन सभी के लिए हम मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट मॉडल गिवन इन द ब्लैंक। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करना है और ब्रैकेट में जो मॉडल्स दिए हैं उसमें से करेक्ट मॉडल उसमें फिल करना। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज द चीफ गेस्ट, ही ब्लैंक टू बी हेयर ऑन टाइम। ऑप्शंस आर कैन, शुड, मस्ट एंड। तो एक ट्रिक हमेशा याद रखना है कि ब्लैंक के बाद अगर टू दिया है तो इसके साथ हमेशा ऑट ही आएगा, क्योंकि ऑट एक ऐसा मॉडल है जिसके बाद हमेशा टू आता। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक यू लेंड मी अ फ्यू हंड्रेड डॉलर्स। ऑप्शंस कुड, मे और मस्ट। अब यहाँ हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे $100 लेंड कर सकते हैं। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड का यूज। कुड यू लेंड मी अ फ्यू हंड्रेड डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, यू ब्लैंक नेवर डू। अब यहाँ भी हम सलाह दे रहे हैं कि रात में अकेले जाना डेंजरस है, इसलिए तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। तो जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। सो योर आंसर विल बी शुड। इट इज डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, यू शुड नेवर डू इट। देन क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, यू ब्लैंक रीच देयर बाय इवनिंग। अब यहाँ पर एक कंडीशनल है। जब कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस रहता है। कंडीशनल सेंटेंस के लिए एक ट्रिक हमेशा याद रखना है कि अगर उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, जो मॉडल है वो भी प्रेजेंट वाला ही आएगा। अब यहाँ पर जो वर्ब दी है वो है स्टार्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर जो मॉडल आएगा वो हो जाएगा विल। सो इफ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, यू विल रीच देयर बाय इवनिंग। और अगर यहाँ पर पास्ट टेंस रहता तो मॉडल भी हम पास्ट वाला लें। क्वेश्चन नंबर 5, दे सेल द बेस्ट पिज्जा इन टाउन, यू ब्लैंक डेफिनेटली ट्राई। अब यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं, दे सेल द बेस्ट पिज्जा इन टाउन, तो वो शहर में सबसे अच्छा पिज्जा बेचते हैं। यू ब्लैंक डेफिनेटली ट्राई इट, इसलिए तुम्हें उसे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे सलाह दी जा रही है, तो जब भी सलाह दी जाएगी वहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे। आंसर विल बी शुड। देन क्वेश्चन नंबर 6, इफ इट रेन्स वी ब्लैंक गेट वेट। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो वर्ब दी है वो है रेन्स, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो मॉडल भी हम प्रेजेंट वाला लेंगे, तो आंसर हो जाएगा वी। इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। देन क्वेश्चन नंबर 7, इफ शी स्पोक A little fresh, she blank find a better job. Options are will, can and could. ये sentence भी if से start हो रहा है, it means ये भी एक conditional sentence है और इसमें जो verb दी है वो है spoke. तो conditional sentence में जब verb past tense में रहेगी तो model भी हम past tense वाला लेंगे। Will, can और could में से past tense वाला model है, so your answer will be could. Question number 8, he blank be an introvert during his university days. अब यहाँ पर एक आदत के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वो एक इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी था। तो जब भी किसी आदत के बारे में बताया जाएगा तो वहाँ पे जो मॉडल यूज होगा वो है यूज टू। सो ही यूज टू बी एन इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी डेज। देन क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक यू लाइक टू कम विथ मी। इस सेंटेंस में ऑफर किया जा रहा है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। तो जब भी हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं या रिक्वेस्ट टाइप का करते हैं तो उसमें आएगा। सो योर आंसर विल बी वुड यू लाइक टू कम विद। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक यू सॉल्व दिस पजल। ऑप्शंस आर कैन, मे एंड विल। अब यहाँ पर एक एबिलिटी या क्षमता के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम इस पजल को सॉल्व कर सकते हो, और इसमें जो वर्ब दी है वो प्रेजेंट टेंस में दी है। तो जब प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो वहाँ हम जो मॉडल यूज करेंगे वो है कैन। कैन यू सॉल्व दिस पजल। देन क्वेश्चन नंबर 11, ऑल दो शी ट्राइड शी ब्लैंक सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑप्शंस आर कुड नॉट, कैन नॉट एंड विल नॉट। ये क्वेश्चन भी एबिलिटी से रिलेटेड है। अब हम इसमें वर्ब देखेंगे, यहाँ जो वर्ब है वो है ट्राइड, जो पास्ट टेंस में दी हुई है। तो जब पास्ट टेंस की एबिलिटी के बारे में बताया जाएगा, पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताया जाएगा, तो हम मॉडल भी पास्ट वाला ही लेंगे। तो योर आंसर विल बी कुड नॉट, ऑल दो शी ट्राइड शी कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। देन क्वेश्चन नंबर 12,
माई ग्रैंड मदर इज 90, शी ब्लैंक स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। तो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो 90 की हो गई है, लेकिन वो अभी भी बिना ग्लासेस के पढ़ सकती है। तो यहाँ पर एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें दिए वो है, तो इससे टेंस का पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो जब प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बताया जाएगा तो वहाँ पे जो मॉडल आएगा वो है क्या, माय ग्रैंड मदर इज 90, शी कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। देन क्वेश्चन नंबर 13, यू ब्लैंक रिग्रेट दिस। रिग्रेट का अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए पछताना। तो यहाँ पर हम एक ऑर्डर टाइप का दे रहे हैं कि तुम इस चीज़ के लिए पछताओगे, तो ऐसी जगह पर हम शाल का यूज करेंगे, यू शाल रिग्रेट दिस। देन क्वेश्चन नंबर 14, आई ब्लैंक गो नो मैटर वॉट। तो मैं वहाँ जाऊँगा चाहे मैटर कुछ भी हो। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन के बारे में बताया जा रहा है, पक्का निश्चय है इसमें, तो ऐसी जगह में हम विल का यूज़ करें। देन क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक यू माइंड मूविंग अ बिट। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। तो जब रिक्वेस्ट की जाती है तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16, यू ब्लैंक नॉट रिपीट दिस। ऑप्शंस आर शैल, मे एंड माइट। अब यहाँ पर एक ऑर्डर टाइप का दिया जा रहा है कि तुम इसे दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो जब भी हम किसी को कुछ ऑर्डर टाइप का देते हैं तो वहाँ पर हम शाल का यूज़ करें। देन क्वेश्चन नंबर 17, यू ब्लैंक पे फॉर दिस। यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए पे करना चाहिए। तो जब हम सलाह देते हैं तो वहाँ हम शूट का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 18, डैश आई कॉल द डॉक्टर। अब यहाँ पर भी एक सलाह दी जा रही है, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन सलाह दी जा रही है कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो यहाँ पर हम शूट का यूज़ करें। देन क्वेश्चन नंबर 19, ऑल स्टूडेंट्स ब्लैंक सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे तक। सभी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स जमा करना है, यहाँ पर भी सलाह दी जा रही है और ये एक टाइप का ऑब्लिगेशन भी है। तो यहाँ पर हम शूट का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ आई न्यू हिज नेम आई ब्लैंक टेल यू। अब सेंटेंस में इफ़ आया है, इट मीन्स ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमें वर्ब देखना चाहिए। यहाँ पर जो वर्ब है वो है न्यू, ये पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट टेंस रहेगा तो जो मॉडल हम यूज़ करेंगे वो भी पास्ट वाला यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21, हाउ ब्लैंक यू कॉल मी नेम्स। अब यहाँ पर हिम्मत की बात हो रही है कि तुम्हें मेरा नाम पुकारने की हिम्मत कैसी हुई। तो जब भी हिम्मत की बात होती है तो वहाँ पर जो वर्ड आएगा वो है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। सो हाउ डेयर यू कॉल मी नेम। देन क्वेश्चन नंबर 22, आई ब्लैंक सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। अब इसमें पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, और ये पास्ट वॉज देख के पता चलता है, वॉज पास्ट टेंस में है। तो पास्ट की एबिलिटी के बारे में जब भी बताया जाएगा तो हम वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। सो आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। देन क्वेश्चन नंबर 23, यू ब्लैंक नॉट प्ले विद फायर। तुम्हें आग से नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक सलाह दी जा रही है, तो सलाह के लिए हम शूट का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 24, आई थिंक इट ब्लैंक रेन टूडे। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी या संभावना है कि मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करेंगे। सो आई थिंक इट मे रेन टूडे। देन क्वेश्चन नंबर 25, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंस में जब भी लेस्ट दिया रहेगा तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद करना लेना है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आता है। लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आएगा। सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देन क्वेश्चन नंबर 26, डैश गॉड ब्लेस यू विथ अ ग्रैंड सक्सेस। अब यहाँ पर एक ब्लेसिंग दी जा रही है, तो ब्लेसिंग के लिए हम हमेशा मे का यूज़ करेंगे। सो आंसर विल बी मे गॉड ब्लेस यू विथ अ ग्रैंड सक्सेस। देन क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक हर सोल रेस्ट इन पीस। यहाँ पर भी एक ब्लेसिंग दी जा रही है, तो ब्लेसिंग के लिए हम मे का यूज़ करें। देन क्वेश्चन नंबर 28, ही प्लेड वेल सो दैट ही ब्लैंक विन द गेम। अब सेंटेंस में हम देखेंगे ही प्लेड दिया हुआ है, प्लेड पास्ट टेंस में है, तो इसमें जो मॉडल आएगा वो भी पास्ट वाला ही आएगा। सो आंसर विल बी माई। देन क्वेश्चन नंबर 29, राम अर्न्स मनी सो दैट ही ब्लैंक बाय अ बाइक। इस सेंटेंस में भी सो दैट आया, लेकिन हम इसकी वर्ब देखेंगे। वर्ब दी है इसमें अर्न्स, और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो मॉडल भी प्रेजेंट वाला आएगा और वो हो जाएगा। दोनों सेंटेंस में सो दैट आया है, इस सेंटेंस में पास्ट टेंस दिया है तो हम माइट यूज़ करेंगे, और इसमें प्रेजेंट टेंस दिया है तो हम मे का यूज़। देन क्वेश्चन नंबर 30, वी ब्लैंक फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए हमें रोड के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है जो सबको करना ही है। तो जब भी कोई ज़रूरी चीज़ दी रहेगी तो वहाँ जो मॉडल आएगा वो है मस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट। देन क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैंक आई डू दैट सम फॉर यू। तो इसमें एक ऑफर दी जा रही है कि क्या मैं ये सम जो है वो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो जब भी हम किसी को कुछ ऑफर करेंगे तो वहाँ पर हम शाल का यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ही सेड दैट
He blank come the next day. Said that aaya, it means ये indirect speech का sentence है. तो जब indirect speech में past tense दिया रहेगा तो आगे भी हम past tense का use करेंगे. Will, would और may में से past में जो model है वो है would. तो answer हो जाएगा. Then question number 33. Mohan asked me if I blank help him. Sentence भी indirect speech का है और इसमें asked आया है, ये past tense में है. तो मॉडल भी हम पास्ट वाला लेंगे. आंसर विल बी कुड. कैन, कुड और मे में से पास्ट वाला मॉडल है कुड. देन क्वेश्चन नंबर 34. सीता आस्क हिम व्हाट ही ब्लैंक डू फॉर हर. ये भी इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है और इसमें जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है क्योंकि यहाँ पर आस्क दिया हुआ है. तो जब प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसमें मॉडल भी प्रेजेंट वाला आएगा तो वो हो जाएगा कैन. तो 32, 33 और 34 ये तीनों क्वेश्चंस इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है. 32 और 33 में सेड और आस्क पास्ट टेंस में दिया हुआ है इसलिए हम पास्ट का मॉडल लेंगे और 34 में प्रेजेंट टेंस दी है इसलिए जो मॉडल है वो भी हम प्रेजेंट का लेंगे. सो आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी वेल एंड नाउ यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड. सो माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.